push a mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me.300 में, क्योंकि आज है वर्ल्ड सिनेमा डे, तो हम लोगों ने इसमें जो है फायदा उठा लिया है। तो अगर आप इनके लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो नॉर्मल पीवीआर होता है वो देखने को मिलेगा, राइट साइड आपको गोल्ड पीवीआर देखने को मिलेगा। तो हम जा रहे हैं राइट साइड की तरफ। तो ये है इनका टिकट काउंटर, तो आप यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं, बट हमने ऑनलाइन बुक की। अपनी टिकट दिखाने के बाद हम आ गए इनके वेटिंग एरिया में। तो मुझे फोरम मॉल का पीवीआर गोल्ड का वेटिंग एरिया बहुत ही ज़्यादा बकवास लगा, क्योंकि आप नॉर्मल मॉल में जाते हो और गोल्ड वाले एरिया में जाते हो तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग जो होते हैं डेकोरेट करके रखते हैं, बट मुझे बिल्कुल भी बकवास लगा। तो आप अगर वेगा सिटी का पीवीआर गोल्ड देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे उसका ब्लॉग डाला है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। हमारी मूवी जो है 10 में है, तो हम यहां जा रहे हैं 10 और आपको लेके चलते हैं यहां का पीवीआर गोल्ड। तो मैं भी जो हूँ फर्स्ट बार आई हूँ यहाँ का पीवीआर गोल्ड, तो मैं यहाँ के नॉर्मल पीवीआर में आई हूँ फोरम के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि फोरम मॉल काफ़ी फेमस है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑलरेडी मैं जो हूँ वेगा सिटी जाके आई हूँ तो इस बार आपको कुछ डिफरेंट मॉल का दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इनका सिटिंग अरेंजमेंट, प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। तो अगर आप सिंगल टिकट बुक करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अनकम्फर्टेबल लगेगा। तो मैं बिल्कुल भी फोरम मॉल का पीवीआर गोल्ड जो हूँ रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि जनरल डे में जो है ये लोग 800 रुपीज़ चार्ज करते हैं पीवीआर गोल्ड का, बट बिकॉज आज जो है वर्ल्ड सिनेमा डे था तो हमें ऑफर में ये 800 का टिकट 300 में मिला, तो उसके अकॉर्डिंगली ये वर्थ इट है। अदरवाइज़ आप 800 पे करके यहाँ पे मूवी देखना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप अकेले आते हैं तो आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो सकता है, और यहाँ पे जो टेबल लैम्प भी था इन लोगों ने सिर्फ शोकेस के लिए रखा है, जला के नहीं रखा है। और अगर मैं यहाँ के सीट की बात करूँ तो वो भी मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगा। तो जैसे आपको पता होता है पीवीआर गोल्ड में हम नॉर्मली जो है लेट के मूवी इंजॉय करते हैं, तो अभी मैं वही करने वाली हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बटन दिए रहते हैं, तो आप ये वाले से वेटर को बुला सकते हैं। अगर हम ये बटन प्रेस करते हैं तो ये सीट जो है वो स्ट्रेट बन जाएगा और बेड जैसा बन जाएगा, तो आप कंफर्टेबल होके देख सकते हैं। अगर ऊपर वाला हम स्विच ऑन करते हैं तो ये आपका सोफ़ा जैसा बन जाता है, कि नॉर्मल जैसा होता है वैसा हो जाता है। अगर आप कुछ पॉपकॉर्न वगैरह ऑर्डर किया है तो ये ट्रे जो है आप फ्लेक्सिबल है, मूव करती है, तो आप जो है इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये है लाइट का, तो लाइट ऑन हो जाएगी तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी, क्योंकि बटन के साइड में सब कुछ लिखा रहेगा। यहाँ पे कोक वोक लेते हैं या पानी वानी लेते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और मुझे फोरम मॉल का पीवीआर का एक चीज़ और भी अजीब ही लगा, कि मूवी थी 255 की और हम 340 तक बैठे थे मूवी में, मूवी का वेट कर रहे थे। इन लोगों ने जो है
और मूवी जो है ऑन ही नहीं किया, ना किसी भी तरह का ऐड दिखाया, कुछ भी नहीं दिखा। कम्प्लीटली 30-40 मिनट जो है हम लोग बस यहाँ पे बोर ही होते रहे, और मैं जो हूँ यहाँ पे बस यही खेल ही रही थी, कभी स्ट्रेट करती थी, कभी इसको सोफ़ा बनाती थी, कभी कुछ करती थी। तो मेरे लिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा बकवास था, क्योंकि मैं जो हूँ एज अ PVR देख रही थी, तो हमें बैठे बैठे जो है प्यास लग गया, और अभी मूवी स्टार्ट भी नहीं हुई आप देख सकते। तो हम आ गए हैं बाहर वाटर लेने के लिए। मूवी अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, वो लोग कुछ भी प्ले नहीं कर रहे हैं, प्ले नहीं कर रहे, तो हमें प्यास लग गया था तभी वाटर। और मुझे नेक्सस मॉल का गोल्ड बहुत ही बकवास लगा, बहुत ही ज़्यादा बकवास, कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, भी नहीं है कुछ। चलिए अभी हम जा रहे, पहले शुरू होते ही खत्म हो जा रहा है। हाँ चलो वॉशरूम इनको दिखा के आते हैं आपको यहाँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मूवी में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हम बाहर आ गए थे, तो चलिए तब तक मैं आपको यहाँ का वॉशरूम एरिया दिखा देती हूँ। तो मुझे हॉल से ज़्यादा अच्छा वॉशरूम एरिया ही लगा, आप देख सकते हैं इसको एज अ गैलरी जैसा बना के रखे हैं, हर तरफ मूवी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का फ़ोटोज़ लगा के रखा है। यहाँ पर आपको जो है इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगा, तो साइड में आपको बॉयज़ वॉशरूम मिल जाएगा। और ये है आज हमारा लुक, हम दोनों ही आए हैं मूवी देखने, क्योंकि आज है फ्राइडे, और ये रहा इनका लेडी वॉशरूम। तो नॉर्मल सा दो ही वॉशरूम था अंदर में, वो भी बहुत छोटा था। अभी मैं जा रही हूँ बाहर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीति कर रही है वेट। तो चलिए आपको फिर से ले कर चलते हैं PVR गोल्ड और मूवी देखते, और आपको बताते हैं कि यहाँ का मूवी कैसा लगा। तो अगर आप नॉर्मल डे पे आ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि इससे अच्छा आप जो है दूसरे मॉल आप जा सकते हो। तो मैं जो हूँ वेगा सिटी का गोल्ड का जो मैंने ब्लॉग बनाया था, उसका ब्लॉग मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट कर लेना। और मूवी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो ऑल सेट फॉर मूवी। तो मैंने यहाँ पे जो है अपना बूट वूट निकाल लिया है, और अब मैं अब आराम से लेट के मूवी देखने वाली हूँ। तो आई होप आपको आज वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, और आप देख सकते हैं थिएटर भी पूरा भरा पड़ा है।